अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जो कि हमने पढ़ना है फीडिंग के डिफरेंट मेथड्स, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। हमारे पास एक फीडिंग का मेथड है जिसको कहते हैं मैक्रोफेगस फीडर। मैक्रोफेगस फीडर कौन से होते हैं? जो ऐसे जानदार हैं जो खुराक को लेते हैं लार्ज पीसीस के फॉर्म में, बड़े बड़े टुकड़े के फॉर्म में जो अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, वो मैक्रोफेगस फीडर कहलाते हैं। जैसे हाइड्रा जो कि फीडिंग करता है टेंटाक्यूलर, अपने टेंटिकल की मदद से खाता है, इसको कहते हैं टेंटाक्यूलर फीडिंग, जो कि इसमें हाइड्रा के अंदर। सीजिंग फीडिंग, निगलना, ठीक है, बड़े टुकड़ों को लेकर जाना, डॉग फिश के अंदर है, इसको सीजिंग फीडिंग कहते हैं। स्क्रैपिंग फीडिंग, खुरश खुरश कर खाना, मतलब कि कोई चीज़ है उसको खराशना और उसके बाद उसको खाना, स्नेल के अंदर है, उसको कहते हैं स्क्रैपिंग फीडिंग। स्नेल के अंदर ना एक सबसे पहला एक याद रखना, एक ऑर्गन होता है स्क्रैपिंग करने वाला, जिसको रेडुला का नाम देते हैं। उस रेडुला की मदद से स्क्रैपिंग करता है, फिर उस स्क्रैप शुदा टुकड़े को जिस्म में लेके जाता है, इसको स्क्रैपिंग फीडिंग कहते हैं, जो किसका टाइप है, मैक्रोफेगस फीडिंग का। पैरासाइटिक, तो आपको पता होगा पैरासाइटिक फीडिंग का मतलब क्या है। पैरासाइट एक ऐसा जानदार है जो होस्ट से शेल्टर घर लेता है, होस्ट से खुराक लेता है और इवन के होस्ट को नुकसान भी देता है, इसको पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट का मतलब ऐसे जानदार जो रहते हैं ऊपर, लिव अपॉन या विद इन द अदर ऑर्गेनिज्म, जो जानदार के ऊपर या अंदर रहते हैं, हम उसको पैरासाइट कहते हैं। एक होता है एक्टो पैरासाइट जो ऊपर रहने वाला, एक एंडो पैरासाइट जो अंदर रहने वाला। तो ऐसा पैरासाइट जो विच लिव अपॉन देयर होस्ट, जो अपने होस्ट के ऊपर रहता है एक्टो पैरासाइट है, जो लिव विद इन देयर होस्ट, जो होस्ट के अंदर रहता है, उसको एंडो पैरासाइट कहते हैं। अब ऊपर कौन रहता है? जैसे आपके सर के ऊपर पड़ने वाली जुएं, फ्ली आर एक्टो पैरासाइट, किसके? मैमल्स, बर्ड्स और बर्ड्स ऑफ फीडर्स के। ये मैमल्स और बर्ड्स ऑफ फीडर्स, ये लाइसिस और फ्ली, ये एक्टो पैरासाइट है। माइट्स और टिक्स, ये एक्टो पैरासाइट है नॉन ह्यूमन मैमल्स के, ठीक है। ये माइट्स और जो टिक्स हैं, ये अक्सर लकड़ी को खाने वाले जो होते हैं, ये नॉन ह्यूमन मैमल्स के हैं। लीच, जोंक है, एक्टो पैरासाइट है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के, ये सारे एक्टो पैरासाइट हैं। हमारे अंदर रहने वाले कौन है? जैसे इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं, एंट अमीबा, हिस्टोलेटिका, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, अंदर रहते हैं, ये एंडो पैरासाइट कहलाते हैं। इसी तरह हमारे पास फीडर एक आता है फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर के पहचान क्या है? ऐसे एनिमल्स जो पानी को फिल्टर करते हैं और उस पानी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको इंजेस्ट करते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं। विच दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, जो कि निकाला है, कहाँ से निकाला है? वाटर को फिल्टर करके इन पार्टिकल्स को निकाला है। तो ऐसे जानदारों को कहते हैं ये फिल्टर फीडर है, जो पानी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं फिल्टर करके अपने अंदर लेके जाते हैं, उनको फिल्टर फीडर का नाम दिया जाता है। जैसे वेल हो गई और मसल, ये दोनों के दोनों कौन से? फिल्टर फीडर। ये मसल जो से आपके सामने मैंने बनाया मसल, ठीक है, सीपी टाइप जोन से होती है, इसके पास ये देखे इनहाइलेंट साइफन है, जहाँ से पानी अंदर दाखिल होगा, जहाँ से पानी बाहर जाएगा एक्सहेलेंट साइफन है, ये इसकी एनएस है, ये इसका माउथ है, ठीक है। इनहेलेंट का मतलब जहाँ से पानी अंदर दाखिल होगा, सीलिया यहाँ मौजूद है, पानी जहाँ से दाखिल होगा सारी खुराक भी साथ आएगी, फिल्टर होगी, माउथ के पास चले जाएगी। तो देखते हैं ज़रा इसके बारे में। सबसे पहले सीलिया मूव करता है यहाँ पर, और जैसे सीलिया मूव करेगा तो इंटर हो जाएगा पानी, वाटर करंट इनटू इनहेलेंट साइफन, इधर से पानी अंदर दाखिल हो जाएगा। और ये कब होगा? जब सीलिया क्या करेगा? मूव करेगा। इसी तरह जब पानी अंदर दाखिल होगा तो अगला काम हो जाएगा सिक्रीटरी सेल्स का। सिक्रीटरी सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन गिल्स, गिल्स के ऊपर सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। इन सेल का काम होता है सिक्रीट करना म्यूकस को। ये सारे सेल्स म्यूकस को खारिज करते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल आया है पानी के ज़रिए से वो वहाँ पे फंस जाता है, इंटेंगल हो जाता है। जैसे वो पार्टिकल वहाँ पे फंस जाता है, वो पार्टिकल्स को मूव करवाया जाता है टूवर्ड माउथ, उसको मुंह की तरफ भेजा जाता है ताकि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चला जाए। और डाइजेस्टिव सिस्टम के भेजने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ भेजने के लिए माउथ की तरफ जाना ज़रूरी है, और पार्टिकल्स को माउथ की तरफ भेजा जाता है सिलरी मूवमेंट की मदद से। इसी तरह जो बच गया, जितना पानी बच गया एक्स्ट्रा वाटर, वो दोबारा रिमूव कर दिया जाता है एक्सहेलेंट साइफन, यहाँ से वो बाहर एक्सहेलेंट साइफर से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह एक हमारे पास फीडर है फ्लूइड फीडर। अब फ्लूइड फीडर क्या होता है? कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फीड करते हैं, फूड को लेते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में अपने जिस्म में लेके जाने वाले खुराक को हम उन जानदारों को कहते हैं फ्लूइड फीडर है। एक है हैफिड, एक है मॉस्किटो। हैफिड एक ऐसा जानदार है जो फिलोइम के अंदर से जूस को सक करता है। फिलोइम है ना जो प्लांट के अंदर होते हैं, जाइलम और फिलोइम, फिलोइम के जूस को सक करता है फ्रॉम
अपने स्टेम की मदद से, फ्रॉम ग्रीन स्टेम, कहाँ से जूस को लेता है, ग्रीन स्टेम से, बाय इंसर्टिंग डेलिकेट स्टाइलेट्स, इसके मुंह के आगे छोटा सा तूतनी सा, छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है तूतनी सा, ठीक है, उसको स्टाइलेट्स कहते हैं, वो स्टाइलेट्स इंसर्ट करता है, दाखिल करता है ग्रीन स्टेम के अंदर और उसे चूस लेता है, सक कर लेता है फ्लोएम जूस को। हैफिड है ये, ठीक है, और हैफिड जब जूस पिएगा तो इसका मतलब जूस पीने वाला, पानी को पीने वाला फ्लूइड फीडर होता है। मॉस्किटो को तो आपको पता होगा, ये सक करता है ब्लड को, कहाँ से, स्किन कैपरी से। कैसे हमारी कैपरी से ब्लड को सक कर लेते हैं, इंसर्ट करके ट्यूबुलर माउथ पार्ट, इसके मुंह के आगे छोटा सा एक लंबा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको इंसर्ट करके ब्लड को सक करता है, इसको नाम देते हैं ये मॉस्किटो है, और ये भी किस कैटेगरी में आ जाता है, फ्लूइड फीडर के अंदर। ये बड़ा आसान से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप से टॉपिक थे, जो कि आप एज इट इज़ लिखेगा, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।